नमस्कार दोस्तों, अकॉर्डिंग टू TriCityToday.com न्यूज़, गॉडसेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सिद्धार्थ विहार में जो जमीन अलॉट हुई है उस पर 3 सदस्यीय SIT जांच करेगी। 1 महीने में जांच की रिपोर्ट शासन को देनी है। अब ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2004 में निष्पादित की गई एक्सचेंज डीड में आवास विकास परिषद द्वारा मैसर्स मोहन मेकिंस और नेशनल सीरियल प्रोडक्ट लिमिटेड की इस योजना में शामिल भूमि पर उसी स्थान पर 12.47 एकड़ भूमि दी गई। इस भूमि का यूज जल शुद्धिकरण के लिए किया जाना था, लेकिन इन फर्मों द्वारा एक्सचेंज डीड की शर्तों के विपरीत संबंधित जमीन को मैसर्स गॉडसन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को गलत ढंग से आवासीय दिखाते हुए वर्ष 2005 में बेच दिया गया। अब इस जांच में क्या अधिकारी जेल जाएंगे या वो कंपनियों के मालिक जिन्होंने जमीन बेची वो जेल जाएंगे? क्या गौर सिद्धार्थम पर बुलडोजर चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब छुपे हुए हैं SIT की रिपोर्ट में। जब ये SIT की रिपोर्ट तैयार होगी वो तय करेगी किसका क्या होगा। तब तक वेट करते रहिए और आप देखते रहिए रियल एस्टेट रिव्यूज, ऐसी ही रियल एस्टेट न्यूज़ और रिव्यूज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पोस्ट प्रॉपर्टीज़ फ्री, गेट अनलिमिटेड ऑनर्स नंबर, अनलिमिटेड ऑनर्स प्रॉपर्टी, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, लोकेशन नो लिमिट। क्लिक टू www.gharanmakan.com।